भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला खेला जाना है तिरुवनंतपुरम में। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी, जहां पे हम प्रीव्यू करेंगे इस मैच का पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर के साथ। वसीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सीरीज इन द बैग, इस मैनेजमेंट से हम देखते हैं कि एक निरंतरता रहती है हमेशा चयन में, लेकिन यहाँ पे एक मौका है कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने का, कुछ रोटेशन करने का, वो आप जरूर लेना चाहेंगे इस मौके का फायदा? शायद नहीं, मैं चाहूंगा कि थोड़ी कंटिन्यूटी बरकरार होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और वर्ल्ड कप से पहले भारत को शायद 15-18 वनडे खेलने हैं, तो वहां पर मैं नहीं चाहूंगा। हालांकि आपके पास हर्षदीप का ऑप्शन है, ईशान किशन का ऑप्शन है, वॉशिंगटन सुंदर का ऑप्शन है, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर किसी को मुझे लगता है कि निगल नहीं है तो आई फील कि यही टीम खेलनी चाहिए, क्योंकि ये आपके मेन प्लेयर्स है अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह, और जो आपके पास रविंद्र जडेजा जो इंजर्ड लिस्ट है उसके अलावा मुझे लगता है कि इन्हीं प्लेयर्स को आपने खिलाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, क्योंकि आपने बिल्कुल परफेक्टली सेटअप किया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाइग्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, वो है स्टीव वॉ की कैप्टन्स डायरी 2002 के सीजन से। तो वहां पे उन्होंने कहा था, आपको याद होगा जो ट्राई सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में 2002 साल में, वहां पे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंची थी, और उसके बाद स्टीव वॉ कप्तानी से हट भी गए थे, लेकिन उन्होंने रोटेशन पॉलिसी को पूरी तरह से डिफेंड किया था। और उन्होंने यही उसका जो उनका जो थियोरी था वो ये था कि अगर आपके पास 15 या 20 ऐसे खिलाड़ी हों जो प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए तैयार हो, तो एक साल बाद जो वर्ल्ड कप आने वाला है वहां पे वो बेहतर तैयारी कर सकेंगे। और उन्होंने यही कहा था कि इसका जो सबूत है वो एक साल बाद आप देखेगा, अभी उसे जज मत कीजिए। तो इसको पूरा ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि भारत के पास वैसे 15-20 खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं, जो वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं, या यहाँ पे मैनेजमेंट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये बैलेंस कभी कभी स्ट्राइक करना पड़ेगा? मुझे लगता है भारत के पास 15-20 से भी ज्यादा ऑप्शन है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है जब वो 20-25 प्लेयर में से आपको 11 खिलाने होते हैं, तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो वो जितने नंबर्स आप छोटे रखिए, मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन कम होता है, और जितने नंबर्स ज्यादा होंगे वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और इवेंचुअली आपको लगेगा कि शायद इसको खिलाते तो बेहतर होता है या उसको, तो वो नंबर्स मुझे लगता है कि कम होना जरूरी है। चलिए एक फॉलो अप बस पूछ लेता हूँ टीम कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि आपने इस बारे में बात की है सीरीज के दौरान कि भारत के लिए नंबर 8 पे कौन बल्लेबाजी कर रहा है, तो आपको लगता है कि इस मैच में यहाँ पे मौका है किसी एक बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाने का, ताकि देखा जाए अगर बल्लेबाजी में थोड़ी सी गहराई को बढ़ाया जा सके तो कितना फायदा मिले? आई थिंक इफ एट ऑल अगर आप कुछ चेंज कर सकते हो तो मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर एक फास्ट बॉलर की जगह पे आ सकते हैं। त्रिवेंद्रम की विकेट कैसी है ये मुझे नहीं पता है कि थोड़ा स्पिन असिस्ट करेगी या नहीं करेगी, अगर असिस्ट करती है तो मुझे लगता है एक फास्ट बॉलर की जगह आप वॉशिंगटन सुंदर को ला सकते हो, और फिर आपकी बैटिंग नंबर 8 तक हो जाती है। तो ये ऑप्शन में भी आप कर सकते हो कि 2 फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या और आपके पास 3 स्पिनर हो जाते हैं, तो ये एक विकल्प में भी हो सकता है। और श्रीलंका के नजरिए से बात करते हैं वसीम, क्योंकि दोनों मैच काफी निराशाजनक ही रहे, एक में बहुत ज्यादा रन दे दिए, दूसरे में बहुत कम रन पे खुद ऑल आउट हो गए, लेकिन कुछ पॉजिटिव जरूर उनके लिए निकले हैं। दसुन शानका का पहले मुकाबले में जो सेंचुरी रही थी, दूसरे मैच में जो डेब्यूटेंट थे नुवानिधु फर्नांडो, उनकी पारी भी काफी एक हाईलाइट रही, तो वो क्या बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं या क्या गलत कर रहे हैं जो यहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा? आई थिंक थोड़ा सा इंजरी की वजह से उनको दिक्कतें आई हैं। मधुशंका पहले मैच में वो इंजर्ड हो गया, इस मैच में पतुम निशंका जो जिन्होंने रन बनाए थे वो बैट बैक की वजह से बाहर हो गए। हालांकि जो यंग प्लेयर आए हैं उन्होंने डेब्यू में 50 रन बनाए, नवेंदु जिसकी हमने बात की, तो ये एक उनके लिए अच्छी चीज है, बट आई फील के थोड़ा सा बेटर खेलना होगा। पहले मैच में बॉलिंग अच्छी नहीं की, जैसे आपने कहा कि 370 के ऊपर रन दे दिए, दूसरे मैच में जब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया था 110 पर 1 थे, वो प्लेटफॉर्म को आगे नहीं ले जा सके, 260-270 रन बनाने का बढ़िया मौका था उनके पास में, और सेकेंड हाफ में बॉलिंग करते हुए थोड़ी सी अच्छी खासी हेल्प थी फास्ट बॉलर्स को, और जो सिचुएशन में भारत को उन्होंने ले आया था 3 विकेटें ले ली थी, अगर 260-270 रन होते तो आसानी से मुझे लगता है कि ये मैच जीत सकते थे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीजों में गड़बड़ किए, तो टीम चेंजेस के बारे में तो नहीं कहूंगा, बट मुझे लगता है कि दोनों ही जगह बेहतर परफॉर्मेंस करने की जरूरत है। चलिए आपसे 2 छोटे से प्रेडिक्शन ले लेते हैं, क्योंकि आपके प्रेडिक्शन हमेशा सही बैठते हैं। 1 कि क्या भारत इस सीरीज को 3-0 से जीतेगा, और दूसरा क्योंकि विराट कोहली जो 2 साल का सूखा था उसके बाद हमें हमारी आदत फिर से बिगाड़ने लगे हैं, 2 सेंचुरी लगा चुके हैं, पिछले मैच में जरूर वहां से चूके, लेकिन क्या एक और शतक उनसे उम्मीद की जा सकती है?
मुझे लगता है कि 3-0 होगा, क्योंकि ये मुझे लगता है इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, और मैं सरप्राइज हो जाऊंगा कि अगर वो नहीं जीतेगी। प्लस अगर विराट कोहली मुझे लगता है 21 रन क्रॉस कर गए तो वो शतक आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि वो ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि 40-50 रन करके अपना विकेट खो देंगे, तो दोनों ही चीजें पॉसिबल है। चलिए, बहुत कुछ देखने लायक होगी तीसरे वनडे के बाद भी, और फिर से आपसे मुलाकात होगी वसीम, आपके सटीक विश्लेषण और बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट को मैच डे हिंदी।